पाकिस्तान सेंट्रल माइनर लेबर फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कोल माइनर में हादसात की रोकथाम और मजदूरों को तहफ़ के लिए जनरल सुल्तान मोहम्मद खान, मरकजी चेयरमैन अब्दुल सत्तार समेत दीगर की क़यादात में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अहाते से रैली निकाली गई और क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। इस मौके पर शाह अली बुगटी, मंजूर अहमद बलोच, अब्दुल हकीम खान, सैफुल्ला, साजिद खोकर, सईद अहमद बिलानुशी, सईद अहमद कलंदरानी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि 20 मार्च को हरनाइजर तालू माइंस में खतरनाक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 12 वर्कर्स शहीद जबकि 6 शदीद जख्मी हुए। उनका कहना था ये पहला और आखिरी वाकया नहीं बल्कि तवातर के साथ हरनाई, डुकी, चमालिंग, सोरिंच, मारवाड़, दिगाड़ी, मच व दीगर इलाकों में हादसा रोनुमा होते रहते हैं जिससे हर साल सैकड़ों माइंस वर्कर शहीद और जख्मी होते हैं। हुआ है जरदालू का और लोग ये समझ रहे हैं कि ये गैस की वजह से हुआ है। ये गैस की वजह से नहीं बल्कि बारूद की ब्लास्टिंग की गई है और बारूद की ब्लास्टिंग जो है ये गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, इसके बावजूद भी वो कर रहे हैं और ये इस तरह के बार बार वाकयात हुए हैं। ये पहला वाकया नहीं है। 2011 में वाकया हुआ, 43 आदमी जो है नौजवान बच्चे उड़ा दिए। उसके बाद 2018 में हुआ गिलानी कोल कंपनी में, उसमें जो है उसमें 18 बंदे जो है उड़ा दिए गए हैं। इस तरह ये बार बार ये वाकयात हो रहे हैं और हमारा जो आज का मुजाहरा है वो इसी हवाले से है कि बराए मेहरबानी डीजी माइंस ये अपनी ड्यूटी पूरी करे और माइंस ओनर जो है वो ठेकेदारी निजाम को बंद करे, खुद कंपनियां चलाए। जहाँ ठेकेदार निजाम है उनको न माइंस से दिलचस्पी है और न वर्कर से, तो लिहाजा हमारी ये आज डिमांड है कि इनको लोगों को सजाएं दी जाए और जो 2011 में हुआ है उनको भी और जो 2018 में हुआ है जो इन्होंने बारूद के धमाके के उनको भी। हम पुरजोर अल्फाज में ये जो 20 मार्च को शारग हरनाई के मुकाम पर जरदालू में जो माइन के अंदर वाकया हुआ है जिसमें 12 कारकुन शहीद हो गए, तो हम आल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पर ये पुरजोर एहतजाज करते हैं कि इसकी आला सत्ता पर एक कमेटी तश्कील दी जाए और ये मालूम की जाए कि जी ये आए रोज एक्सीडेंट किस तरह हो रहे हैं, इसमें ठेकेदार कसूरवार है या इंस्पेक्टरेट ऑफ बलोचिस्तान कसूरवार है जो इन माइनों को इजाजत देता है कि जो इस तरह की गैसी माइनों में ये उतरते हैं। आए दिन मजदूर इसमें जांबाक हो रहे हैं कि आला तक सतह पर तहकीक होनी चाहिए और इनके ऊपर बड़े जुर्माने लगने चाहिए और इन माइनों को बंद कर देना चाहिए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि माइंस में बारूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और बारूद इस्तेमाल करने में सख्त से सख्त सजा दी जाए। उनका कहना था माइंस में हादसात के जिम्मेदारान को सजा दी जाए, माइंस वर्करों को तहफुज ILO कन्वेंशन 176 को तस्लीम किया जाए, सेहत और सलामती के कवानीन पर अमल दरामद किया जाए और शाहरख माइंस में शहीद और जख्मी होने वाले वर्कर्स को खसूसी ग्रांट की फराहमी मंजूर की जाए। वश न्यूज़, क्वेटा, बलूचिस्तान।